हर हर महादेव। ये सिर्फ ऑडियो क्लिप है, तो आप लोग केवल ऑडियो क्लिप सुनिए। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज थी बीच में कि हमारे काम अटके हुए हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर सॉरी मैं इसमें लाइट ऑन करके मैं लाइव नहीं आऊँगी इस समय। सो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज़ मुझे अचानक से दिमाग में आया कि बहुत से लोगों ने ये क्वेरी की थी, पूछा था, तो उसके लिए मैं आपको जो है ये स्पेल बता रही हूँ, जिन ये तीन परिस्थितियों में इस स्पेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, आपका सब रास्ते आपके ब्लॉक हो गए हों और आपको कोई वे आउट ना मिल रहा हो। दूसरा, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या इविल आया आपके ऊपर है उस परिस्थिति में। तीसरी परिस्थिति इसकी, इस्तेमाल करने की। जब आपको घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स लगने लगें, जो सडन हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे कोरोना को लेकर के, कोरोना का बारे में बात बोलने लगेंगे यहाँ पर। सो मैं वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ग्लोबल इशू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पर्सनल इशू की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यूज जो सडन वे में आपको ट्रबल करें, सडनली आपको कोई चीज़ ट्रबल कर रही है, या आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर हैक्स कर दिया है या कर्स कर दिया है आपको, और ये केवल जो हल्की फुल्की उस तरह की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है उसको रिमूव करता है। मेजर जब इश्यूज होते हैं तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर्स जब काम करते हैं तो यू नीड एन एक्सपर्ट एट द टाइम टू स्टडी द केस एंड देन यू नो डू द थिंग्स फॉर यू ऑन योर बिहाफ। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो सडनली चीज़ें आपके साथ होती हैं, और सडनली मान लीजिए सब स्मूथ चल रहा था और सडनली चीज़ें आपकी ब्लॉक हो गई, आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि आप चौराहे आ गए हो, एकदम क्रॉस रोड्स पर ही खड़े हो, आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो टू ओपन द डोर्स फॉर यू ये स्पेल बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने थैंक्स गिविंग की पावर आपको बताई है कि कितना पावरफुल होता है अगर हम थैंक्स गिविंग करते हैं। तो लाइटिंग के लिए मत बोलिए, मैंने पहले ही बोल दिया कि लाइट ऑन नहीं करूँगी मैं। आपको ऑडियो क्लिप, आपको मेरा स्पेल से मतलब है, मेरे शक्ल से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो आप जो मैं मैसेज दे रही हूँ इसमें वो आपके लिए काम का है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट। तो जब ऐसी परिस्थितियों में जो मैंने बताई हैं अभी मेंशन की, ऐसी परिस्थिति में जब आप फंसते हैं तो उस टाइम पर क्रॉस रोड स्पेल किया जाता है, और जिसे हम मतलब जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि चौराहे पे होली या दिवाली के दिन अक्सर लोग उतारा छोड़ते हैं, या मैं उतारा कम छोड़ती हूँ, मैं नैवेद्य ज़्यादा छोड़ती हूँ, लाइक ऑफरिंग्स ज़्यादा स्पिरिट्स को देना पसंद करती हूँ, या क्रॉस रोड की जो एनर्जीज़ हैं उनको देना पसंद करती हूँ, आप स्पिरिट बोलें उन्हें, भैरव का स्थान बोलें या पापा लेगबा का स्थान बोलें या और एनर्जीज़ का स्थान बोलें जो क्रॉस रोड्स पर रहती हैं, तो उनको मैं ऑफरिंग्स देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उतारा मैं बहुत मतलब हमें, क्योंकि वो एक नियम है, तो उस नियम को पूर्ण करने के लिए एक उतारा भी किया जाता है, लेकिन मैं ऑफरिंग्स अक्सर देती रहती हूँ। तो आप लोग ये जब जो 8 तारीख को अमावस आ रही है, जो संडे को पड़ेगी, आप उस दिन ये स्पेल कर सकते हैं, और उस दिन आप क्रॉस, लेकिन ये स्पेल रात को ही करना है आपको, क्योंकि जो इस तरह की एनर्जीज हैं, स्पिरिट्स हैं, ये रात को ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और इनकी ऑफरिंग्स अगर रात को रखी जाती हैं तो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे ब्लेस अस। तो आपको करना ये है कि आपको या तो 3 कॉपर कॉइन लेने हैं और या फिर 1 सिल्वर कॉइन लेना है। कॉपर कॉइन असली होने चाहिए, ऐसा नहीं जिनके पीछे लिखा होता है पूजा के लिए, वो वाले कॉपर कॉइन्स नहीं लेने हैं। जो ओरिजिनल जेन्युइन कभी किसी वो करेंसी यूज़ हुई हो वो कॉपर कॉइन्स लेने हैं। तो वो 3 कॉपर कॉइन्स लें या फिर 1 सिल्वर कॉइन लें।
सिल्वर कॉइन आप कोई भी ले सकते हैं, इतना ध्यान रखें उसके ऊपर भगवान की फ़ोटो ना बनी हो। कई बार सिल्वर कॉइन्स के ऊपर भगवान, क्योंकि आप क्रॉस रोड पे छोड़ेंगे तो वहाँ पर फिर किसी के पैर के नीचे आ सकता है या इसका अपमान हो सकता है, तो देवी देवताओं की उसके ऊपर फ़ोटो ना बनी हो। हमारे शुभ जो चिन्ह होते हैं वो उसके ऊपर, जैसे स्वास्तिक ओम इत्यादि, वो ना बना हुआ हो, प्लेन कॉइन आप लें। और उसके अलावा आपको लीकर का बॉटल एक लेना है, या तो आप वुड का ले सकते हैं, विस्की ले सकते हैं, स्कॉच ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक वो आपको लेना है। एक सिनेमन यानी कि दालचीनी की ट्यूब आपको लेनी है। दो चाबियां, पुरानी चाबियां आपको लेनी है और इनको क्रॉस शेप में बांध देना है। जैसे कि हम क्रॉस लिखते हैं ना, एक्स एक्स लिखते हैं जब, जिस तरह से, तो एक्स शेप में इसको टाई करना है आपको दोनों चाबियों को, ऐसा ऐसे एक दूसरे के साथ में ये करना है कि वो एक्स बन जाए, और फिर उसके बाद आपको उसको टाई करना है। हनी की एक बॉटल आपको लेनी है, छोटी छोटी बॉटल आती है, एकदम छोटी सी, कुछ एक चम्मच के भर उसमें शहद होता है, तो वो आपको लेनी है। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स थोड़े से जो सॉल्टेड हों, या आप एक या तो काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, नहीं तो मूंगफली ले सकते हैं, तो सॉल्टेड मूंगफली या बेसन वाली जो मूंगफली होती है, बेसन लगी हुई, ये आप लेकर के, ये सब चीज़ें आपको क्रॉस रोड पर अमावस्या के दिन, जो कि इस बार 8 तारीख को है, संडे है उस दिन, संडे की 8 तारीख को है, उस दिन रात्रि में ये प्रयोग आप कर सकते हैं। रात्रि में यानी कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपको ये ऑफरिंग्स छोड़ देनी है क्रॉस रोड के ऊपर, और वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी आपके घर में ला करके रख लेनी है क्रॉस रोड से, जहाँ आप ये छोड़ेंगे। और अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कॉर्नर में रख सकते हैं क्या, साइड में रख सकते हैं, नहीं, आपको ये सेंटर में छोड़ना है। उसके बाद में वहाँ से उस चौराहे से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर के अपने घर पर आना है, जिसे आपको अपने द्वार के ऊपर बांधना है बाहर की तरफ, जो आपका मेन एंट्रेंस होती है घर की, उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ आपको बांधना है। तो ये आप कीजिए इससे, और जब आप ऑफरिंग छोड़ दें तो उसके बाद सीधा घर आ जाएं, पलट के इधर उधर नहीं देखें, आप सीधा घर पे आएँ, और आने के बाद में आप वो जो मिट्टी लेकर आए हैं उसकी पोटली बना करके, और जो है उसके साथ आप 1 रुपया या 3 रुपये रख करके, एक चाबी रख के उसको, आप कपड़े की पोटली लाल रंग की होनी चाहिए या काले रंग में बनानी चाहिए, वो बना करके आप अपने दरवाजे पर इसको ऊपर की तरफ टांग दें। तो इससे होगा ये कि आपने ऑफरिंग भी दे दी तो स्पिरिट्स की ब्लेसिंग्स आपने ले ली। क्रॉस रोड की जब हम मिट्टी लेकर आते हैं तो वो हमारे जो ब्लॉकेजेस लगती रहती हैं बार बार, चाहे वो पैसे से संबंधित हो या किसी और चीज़ से संबंधित हो, चाबी हम इसमें साथ में, और कॉइन्स इसीलिए रखते हैं ताकि ब्लॉक ना लगे, और हमेशा चाबी क्योंकि है साथ में तो सिम्बॉलिकली ऐसा हो जाता है कि मतलब आप कितना भी कोई आपको ब्लॉक करने की कोशिश करे, यू ऑलरेडी हैव द कीज़ विद यू, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये स्पेल कर सकते हैं, और उसके बाद आप इन्जॉय कीजिए। उसके बाद होने वाले इवेंट्स को आप ऑब्ज़र्व करिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे जब आप ये कर रहे हैं सारी प्रक्रिया, और आप पॉजिटिव हैं तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। लेकिन अगर आप डल हैं इस चीज़ को लेके, इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ डूइंग यू आर डूइंग इट, देन बेटर इधर डोंट डू इट, बिकॉज आपको उसके रिजल्ट्स भी उसी तरह के डल मिलेंगे फिर। तो बेहतर है कि जब आप कुछ भी करें तो यू शुड बी वेरी एक्साइटेड, उत्साहित होना चाहिए आपको, एंड यू शुड बी थैंकफुल इन एडवांस टू द स्पिरिट्स और हु एवर इज हेल्पिंग यू इन दैट थिंग, एंड इट इज़ नॉट हार्मफुल, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे, ये किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुँचाता है। बल्कि जब आप उतारा करके कोई चीज़ छोड़ते हैं तो उससे दूसरे को कभी कभी नुकसान हो जाता है, अगर उसका उस उतारे पे पैर वैर लग जाए तो। लेकिन ये जब हम ऑफरिंग्स छोड़ते हैं इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता, अगर पैर लग जाए, हाथ लग जाए, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। तो आप ये कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगले जब आप 8 तारीख को ये कर दें, अगले 15 दिन में होने वाले जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे या इवेंट्स होंगे, उनको आपको ख़ास तौर पर ऑब्ज़र्व करना है, और वो आप अपनी डायरी में मेंशन भी कर सकते हैं कि आपने ये किया था, और इसके रिजल्ट्स आप 15 दिन में, हो सकता है कि आप
आपका जो 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 जिस इच्छा से आप कर रहे हैं वो 15 दिन में ही आपकी सॉल्व हो जाए, या मैक्सिमम एक मून साइकिल मींस अगली अमावस तक आपको इसके रिजल्ट्स कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बेटर ज़रूर होगा। मुझे भी फीडबैक दीजिएगा बाय मेल। मेरा मेल आईडी है IAMSHIVANIDURGA@gmail.com और IWCVT@yahoo.com। मेरा फ़ोन नंबर है 9820815434। इन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट होता है कि आप मेल पर ही संपर्क करें, बिकॉज मैं मेल का तो फिर भी आंसर कर देती हूँ, फ़ोन्स कई बार मुझे ऑफ रखने पड़ते हैं, काम में होती हूँ तो मैं फ़ोन्स नहीं ले पाती। आप ये स्पेल कीजिए, आप स्पेल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप करना चाहते हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, आप टैरो सीखना चाहते हैं या फॉर्चून टेलिंग सीखना चाहते हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, आप कुछ प्रॉब्लम में है, मेजर इशू है तो आप अपनी केस स्टडी करने के लिए मुझे अपना केस फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय मेल, और मुझे लगेगा कि वो सॉल्व किया जा सकता है या उसमें कुछ भी हेल्प मेरी तरफ से हो सकती है तो मैं डेफिनेटली वो करने की कोशिश करूँगी। और सर्विसेज कभी भी किसी से फ्री में मांगनी नहीं चाहिए, फ्री में होती भी नहीं है, सामान बाज़ार में फ्री में नहीं मिलता है, तो इसीलिए जो ये जो रेमेडीज़ मैं आपको फ्री में देती रहती हूँ इन्हें आप करते रहिए ताकि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं हो। ये फ्री रेमेडीज़ इतना मैं ये जो मैं करती हूँ ये मैं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग भी जो हैं आप लोगों कई बार कई लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि सब चीज़ साधु को तो फ्री में देना चाहिए, दैट विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो इसके लिए वो आप बोलते हैं और फिर मुझे रूड होना पड़ता है कभी 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 कभी, वो उस तरह के कमेंट्स इग्नोर करने पड़ते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी हमें करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपसे अनुरोध है कि अगर ऐसा आपको कुछ हेल्प चाहिए, वैसे तो मैं इतने सारे स्पेल्स देती रहती हूँ आप खुद करें, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल करें। बहुत बहुत आभार इस समय जुड़ने के लिए, मुझे याद आ गया तो मैंने पोस्ट कर दिया, बिकॉज कई बार बिजी हो जाती हूँ तो वो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है टाइम से पहले हो नहीं पाती और वो फिर आप लोग सामान एकत्र नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से मैंने सोचा मुझे अभी एकदम समय है मेरे पास कुछ, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, आई मीन नाइट और डे, वॉट एवर यू कॉल इट। शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत।